आज सुनते हैं 1938 में पत्रिका हंस में प्रकाशित भुवनेश्वर लिखित कहानी भेड़िए। इस बेहद मार्मिक कहानी को सुनने के बाद जाहिर है आपके मन में भी कुछ सवाल उठेंगे, कुछ बातें आएंगी। इसी को ध्यान में रखते हुए कहानी के अंत में कुछ सुधी पाठकों की प्रतिक्रियाएं शामिल की गई हैं, जिन्हें आप ज़रूर देखिएगा। भेड़िया क्या है, खारू बंजारे ने कहा। मैं अकेला पनेठी से एक भेड़िया मार सकता हूं। मैंने उसका विश्वास कर लिया। खारू किसी चीज से नहीं डर सकता, और हालांकि 70 के आसपास होने और एक उम्र गरीबी के सबब से वह बुझा बुझा सा दिखाई पड़ता था, पर तब भी उसकी ऐसी बातों का उसके कहने के साथ ही यकीन करना पड़ता था। उसका असली नाम शायद इफ्तखार या ऐसा ही कुछ था, पर उसका लघुकरण खारू बिल्कुल चस्पा होता था। उसके चारों ओर ऐसी ही दुरूह और दुर्भेद्य कठिनता थी। उसकी आंखें ठंडी और जमी हुई थीं, और घनी सफ़ेद मूछों के नीचे उसका मुंह इतना ही अमानुषीय और निर्दयी था जितना कि एक चूहेदान। जीवन से वह निपटारा कर चुका था, मौत उसे नहीं चाहती थी, पर तब भी वह समय के मुंह पर थूक कर जीवित था। तुम्हारी भली या बुरी राय की परवाह किए बिना वह कभी झूठ नहीं बोलता था, और अपने निर्दय कटु सत्य से मानो दिखला देता था कि सत्य भी कितना ऊसर और भयानक हो सकता है। खारू ने मुझसे यह कहानी कही। उसका वह ठोस तरीका और गहरी बेसरोकारी जिससे उसने यह कहानी कही, मैं शब्दों में नहीं लिख सकता, पर तब भी मैं यह कहानी सच मानता हूं, इसका एक एक लफ्ज। मैं किसी चीज से नहीं डरता, हां सिवाय भेड़िए के मैं किसी चीज से नहीं डरता, खारू ने कहा। एक भेड़िया नहीं, दो चार नहीं, भेड़ियों का झुंड 200-300 जो जाड़े की रातों में निकलते हैं, और सारी दुनिया की चीजें जिनकी भूख नहीं बुझा सकती, उनका, उन शैतानों की फौज का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। लोग कहते हैं अकेला भेड़िया कायर होता है, ये झूठ है। भेड़िया कायर नहीं होता, अकेला भी वह सिर्फ चौकन्ना होता है। तुम कहते हो लोमड़ी चालाक होती है, तो तुम भेड़ियों को जानते ही नहीं। तुमने कभी भेड़िए को शिकार करते देखा है, किसी बारहसिंगे का? वह शेर की तरह नाटक नहीं करता, भालू की तरह शेखी नहीं दिखाता। एक मर्तबा, सिर्फ एक मर्तबा गेंद सा कूद कर उसकी जांघ में गहरा जख्म कर देता है, बस। फिर पीछे, बहुत पीछे रहकर टपकते हुए खून की लकीर पर चलकर वहां पहुंच जाता है जहां वह बारहसिंगा कमजोर होकर गिर पड़ा है, या उचक कर एक क्षण में अपने से तिगुने जानवर का पेट चाक कर देता है और वहीं चिपक जाता है। भेड़िया बला का चालाक और बहादुर जानवर है। वह थकना तो जानता ही नहीं। अच्छे पछैया बैल हमारे बंजारी गड्ढों को घोड़ों से तेज ले जाते हैं, और जब उन्हें भेड़िए की बू आती है तो भागते नहीं, उड़ते हैं। लेकिन भेड़िए से तेज कोई चार पैर का जानवर दौड़ ही नहीं सकता। सुनो, मैं ग्वालियर के राज से आइन में आ रहा था। अजीब सर्दी थी और भेड़िए गोलों में निकल पड़े थे।
हमारा गड्ढा काफ़ी भरा था। मैं, मेरा बाप, गृहस्थी और तीन नटनियाँ 15-15 साल की। हम लोग उन्हें पछाह लिए जा रहे थे। किस लिए? मैंने पूछा। तुम्हारा ख्याल है मुजरा करने? अरे बेचने के लिए। और वे किस मसरफ की हैं? ग्वालियर की नटनियाँ छोटी छोटी गदबदी होती हैं और पंजाब में खूब बिक जाती हैं। ये लड़कियाँ होती तो बड़ी चोखी हैं पर भारी भी खूब होती हैं। हमारे पास एक तेज बंजारी गड्ढा था और तीन घोड़ों से तेज भागने वाले बैल। हम लोग तड़के ही चल दिए थे। दिन ही दिन में हम आगे जाने वाले साथियों से मिल जाना चाहते थे। वैसे डर के लिए हमारे पास दो कमान और एक टोपीदार बंदूक थी। बैल हौसले से भाग रहे थे और हम लोग 20 मील निकल आए थे कि बड़े मियाँ ने घूमकर कहा, खारे भेड़िए हैं? मैंने तेज़ी से कहा। क्या कहा? भेड़िए हैं? होते तो बैल न चौंकते। बूढ़े ने सर हिलाकर कहा, नहीं, भेड़िए ज़रूर हैं। खैर, वह हमसे 10 मील पीछे हैं और हमारे बैल थक चुके हैं। हमें 50 मील और जाना है, बूढ़े ने कहा, और मैं इन भेड़ियों को जानता हूँ। पार साल इन्होंने कुछ कैदियों को खा लिया था और बेड़ियों और सिपाहियों की बंदूकों के सिवा कुछ ना बचा। बंदूक भर लो। मैंने कमानों को तान के देखा, बंदूक तोड़ी, सब ठीक था। बारूद की नई पोंगली भी निकाल कर देख ले, मेरे बाप ने कहा। बारूद की पोंगली? मैंने कहा, मेरे पास तो पुराने वाली ही है। तब बूढ़े ने मुझे गालियां देनी शुरू की, तू ये है, तू वो है। मैंने पूरा गड्ढा उलट डाला पर नई पोंगली कहीं नहीं थी। मेरे बाप ने भी सब टटोला, तू झूठ बोलता है, तू भेड़ियों की औलाद, मैंने तुझे नई पोंगली दी थी। पर वह बारूद यहाँ कहीं नहीं थी। मेरे बाप ने मेरी पीठ पर कुहनी मारते हुए कहा, शहर पहुंचकर मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगा, शहर पहुंचकर। और इसी वक्त अचानक बैल एकदम रुककर पूंछ हिलाकर जोर से भागे। मैंने सुना मीलों दूर एक आवाज़ आ रही थी, बहुत धीमी, जैसे खंडरों में भी आंधी गुजरने से आती है। हवा? मैंने सहम के कहा। भेड़िए, मेरे बाप ने नफरत से कहा और बैलों को एक साथ किया। पर उन्हें मार की ज़रूरत नहीं थी, उन्हें भेड़ियों की बू आ गई थी और वे जी तोड़कर भाग रहे थे। दूर मैं एक छोटे से काले धब्बे को हरकत करते देख रहा था। उस सैकड़ों मील के चपटे रेगिस्तानी बंजर में तुम मीलों की चीज़ देख सकते हो और दूर पर उस काले धब्बे को बादल की तरह आते मैं देख रहा था। बूढ़े ने कहा, जैसे ही वे नज़दीक आए मारो, एक भी तीर बेकार खोया तो मैं तेरा कलेजा निकाल लूँगा। और तब उन तीन लड़कियों ने एक दूसरे से चिपट कर टेसुए बहाना शुरू किया। चुप रहो, मैंने उनसे कहा, तुमने तेज आवाज निकाली और मैंने तुम्हें नीचे धकेला। भेड़िए बढ़ते हुए चले आते थे, हम लोग भूरी पथरीली धरती पर जैसे उड़ रहे थे। पर भेड़िए, बूढ़े ने लगामें छोड़ दी और बंदूक संभाल कर बैठा। मैंने कमान संभाली। मैं अंधेरे में उड़ती मुर्गाबियों का शिकार कर सकता था और मेरा बाप
वह तो जिस चीज पर निशाना ताकता था अल्लाह उसे भूल जाता था। कोई 400 गज पर मेरे बाप ने आगे वाले भेड़िये को गिरा दिया। धाएं, उसने नटों की तरह एक कलाबाजी खाई और फिर दूसरी, बिल्कुल नटों की तरह। बैल पागल होकर भाग रहे थे, हवा में उनके मुंह का फैन उड़कर हमारे मुंहों पर मेघ की तरह गिरता था और वे रंभा रहे थे जैसे बंजारी ने ब्याने वाली भैंसों की नकल किया करती हैं। पर भेड़िए नज़दीक ही आते जा रहे थे, गिरे हुए भेड़ियों को वे बिना रुके खा लेते थे और वे उनके ऊपर जैसे तैर जाते थे। मेरे बाप ने मेरे कंधे पर बंदूक की नली रख ली थी। धाएं धाएं, मेरी गर्दन पर अब तक जले का दाग है। मैंने भी 16 तीरों से 16 ही भेड़िए गिराए, बूढ़े ने 10 मारे थे, तब भी वह गोल बढ़ता ही आता था। ले बंदूक ले, उसने कहा, और मैं बैलों को देखूंगा। उसका ख्याल था कि बैल उससे भी तेज भाग सकते थे, पर यह ख्याल गलत था। दुनिया के कोई बैल उससे तेज नहीं भाग सकते। मैं बंदूक का भी निशाना खूब लगाता था, पर वह देसी जंग लगी बंदूक, खैर वह लड़की उसे 5 मिनट में भर देती थी। बादी अच्छी लड़की थी, वह बंदूक भरती थी और मैं निशाना मारता था। अचूक मैंने 10 और गिराए। धाएं धाएं धाएं, जब सब बारूद खत्म हो गया तो भेड़िए भी कुछ हारे से मालूम होते थे। मैंने कहा, अब वे पिछड़ गए। बूढ़ा हंसा, वह इतनी सी बात पे नहीं पिछड़ सकते। पर मैं मरते मरते कह चलूंगा कि 7 मुल्क के बंजारों में खारे सा खरा निशानेबाज नहीं है। मेरा बाप बुढ़ापे में बड़ा हंसोड़ हो गया था। हाँ, तो भेड़िए कुछ पीछे रह गए थे, उन्हें कुछ खाने को मिल गया था। सप सप चट, बैलों पर कोड़ा बोल रहा था कि 5 मिनट बाद ही उन्होंने फिर हमारा पीछा शुरू कर दिया। वे हमसे 200 गज पर रह गए होंगे और बढ़ते ही आते थे। मेरे बाप ने कहा, सामान निकाल कर फेंको, गड्ढा हल्का करो। एक बारगी ठोकर खाकर गड्ढा चरकरा कर चला। पूरे बंजारों में यह गड्ढा अफसर था और सब सामान फेंक कर हमने उसे हल्का फुल्का कर दिया था। कुछ देर तो हम भेड़ियों से दूर निकलते मालूम हुए, पर तुरंत ही वे वापस आ गए। बड़े मियाँ ने कहा, अब तो एक बैल खोल दो। क्या? मैंने कहा, 2 बैल गड्ढा खींच ले जाएंगे। उसने कहा, अच्छा, तब एक नटनिया फेंक दो। मैंने उन 3 में से मोटी को ही उठाया और गड्ढे के बाहर झुलाकर फेंक दिया। आह, ग्वालियर की नटनिया, उसे दांत लगा दो तो वह भी भेड़ियों का मुकाबला कर ले। पहले तो वह भागी, पर यह जानकर कि भागना बेकार है, घूमकर खड़ी हो गई और सामने वाले भेड़िए की टांगें पकड़ ली। पर इससे भी क्या फायदा था, एकदम वह नज़र से ओझल हो गई जैसे किसी कुएं में गिर पड़ी हो। गड्ढा हल्का होकर और आगे बढ़ा, पर भेड़िए फिर लौट आए। दूसरी फेंको, बड़े मियाँ ने कहा। पर अब की मैंने कहा, आखिर क्या हम लोग सैर करने के लिए मारे मारे फिरते हैं? एक बैल न खोल दो तुम। मैंने एक बैल खोल दिया, वह
पीठ पर पूंछ रखकर चिंघाड़ता हुआ भागा और गोल उसके पीछे मुड़ गया। मेरे बाप की आंखों में आंसू आ गए। बड़ा असील बैल था, बड़ा असील बैल था, वह बुदबुदा रहा था। हम बच तो गए, मैंने कहा, पर तभी गोल वापस आ गया था। आज कयामत का दिन है, मैंने कहा, और बैलों को इतना भगाया कि मेरी हथेली से खून छलछला आया। पर भेड़िए पानी की तरह बढ़ते चले आ रहे थे और हमारे बैल मर के गिरना ही चाहते थे। दूसरी लड़की भी फेंको, मेरे बाप ने चीख कर कहा। इन दोनों में बादी भारी थी और कुछ सोचकर कांपते हाथों से वह अपनी चांदी की नथनी उतारने लगी। और मैंने शायद बताया नहीं, मुझे वह कुछ अच्छी भी लगती थी, इसलिए मैंने दूसरी से कहा, तू निकल। पर उसको तो जैसे फालिज मार गया था, मैंने उसे गिरा दिया और वह जैसे गिरी थी वैसे ही पड़ी रही। गड्ढा और हल्का हो गया और तेज दौड़ने लगा और तेज। पर 5 ही मील में भेड़िए फिर वापस आ गए। बड़े मियाँ ने गहरी सांस ली, माथा पीट लिया। हम क्या करें, भीख मांग के खाना बंजारों का दीन है, हम रईस बनने चले थे। मैंने बादी की तरफ देखा, उसने मेरी तरफ। मैंने कहा, तुम खुद कूद पड़ोगी कि मैं तुम्हें धकेल दूं। उसने चांदी की नथ उतार कर मुझे दे दी और बाहों से आंखें बंद किए कूद पड़ी। गड्ढा बिल्कुल हवा सा उड़ने लगा। वह पूरे बंजारों में गड्ढों का अफसर था। पर हमारे बैल बेहद थक गए और बस्ती तक पहुंचने के लिए अब भी 30 मील बाकी थे। मैं बंदूक के कुंदे से उन्हें मार रहा था, पर भेड़िए फिर लौट आए थे। मेरे बाप के मुंह से पसीना टपकने लगा। लाओ दूसरा बैल भी खोल दें, मैंने कहा, यह मौत के मुंह में जाना है, हम लोग दोनों मारे जाएंगे, हमें या तुम्हें, किसी को तो बचना चाहिए। तुम ठीक कहते हो, उसने कहा, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मेरी जिंदगी ख़त्म हो गई, मैं कूद पड़ूंगा। मैंने कहा, हिरास मत होना, मैं जिंदा रहा तो एक एक भेड़िए को काट डालूंगा। तू मेरा असील बेटा है, मेरे बाप ने कहा और मेरे दोनों गाल चूम लिए। उसने अपने दोनों हाथों में बड़ी बड़ी छुरियां ले ली और गले में मजबूती से कपड़ा लपेट लिया। रुको, उसने कहा, मैं नए जूते पहने हूँ, मैं इन्हें 10 साल पहनता, पर देखो तुम इन्हें मत पहनना, मरे हुए आदमियों के जूते नहीं पहने जाते, तुम इन्हें बेच देना। उसने जूते खींचकर गड्ढे पर फेंक दिए और भेड़ियों के बीचों बीच कूद पड़ा। मैंने पीछे घूमकर नहीं देखा, लेकिन थोड़ी देर में उसे चिल्लाते सुन रहा था, ये ले, ये ले, भेड़िए की औलाद, भेड़िए की औलाद। और फिर चट 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 चट, मैं ही किसी तरह भेड़ियों से बच पाया। खारू ने मेरे डरे हुए चेहरे की तरफ देखा, जोर से हंसा और फिर
खकार कर बहुत सा ज़मीन पर थूक दिया। मैंने दूसरे ही साल उनमें से 60 भेड़िए और मारे, खारू ने फिर हंसकर कहा। पर उसके साथ ही उसकी आंखों में अनहोनी कठिनता आ गई और वह भूखा नंगा उठकर सीधा खड़ा हो गया। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश चतुर्वेदी ओम आप सभी से एक कहानी के बारे में अपने विचार साझा करना चाहता हूं। कहानी का नाम है भेड़िए, जिसे भुवनेश्वर जी ने लिखा है। 1938 में यह कहानी लिखी गई और हंस पत्रिका में छपी। कहानी का मुख्य नायक है खारू बंजारा। खारू बंजारा एक बुजुर्ग है, काफी उम्रदराज है, और वो कह रहा है लेखक से कि वो भेड़ियों को मारने में बहुत माहिर है और उसे सबसे ज्यादा डर भेड़ियों से ही लगता है। इस पूरी कहानी में जो इंसानी जीवन की जद्दोजहद की जो एक चित्रण किया गया है वो बहुत ही मार्मिक, डरावना और बहुत ही प्रासंगिक है कि जब हम मुसीबतों से घिरे होते हैं तो किस तरीके से हम उस समय अपने अंदर के इंसान और जानवर के बीच का फर्क भूल जाते हैं। लेकिन एक ऐसा भी मकाम आता है, जिस तरीके से कहानी में खारू बंजारे और उसके बाप के बीच मकाम आता है, कि जहां पर फिर से एक इंसानियत करवट लेती है, जहां पर एक बाप के अंदर ये इमोशन पैदा होता है कि मुझे मेरे बेटे को बचाना है। डर एक अंदर हमारी ऐसी चीज होती है कि जो हमको लड़ने की ताकत भी देती है और शायद मरने की भी। तो इस कहानी के लिए मैं रितु सिंह जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जो कि मेरी दोस्त हैं, उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए दिया। तो मैं चाहूंगा कि आप सब भी इस कहानी को पढ़ें और अपने अपने विचार दें। बहुत बहुत शुक्रिया। उसको कह सकते हैं कि पाठक उससे इस तरह कनेक्ट करता है, पाठक के अंदर इतना एक डर पैदा कर देती है पढ़ते वक्त भेड़िए कहानी। लेकिन फिर भी मैं ये कह सकता हूँ कि उसमें कोई नई तकनीक का प्रयोग नहीं है, नए शिल्प का प्रयोग नहीं है, ऐसा कोई भी नए अनूठे शैली का कोई प्रयोग नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि भुवनेश्वर जी ने बहुत कम शब्दों में उस कहानी को लिखा गया, मतलब अपन कहते हैं मृत कथन की कहानी उसको कहते हैं। और चूँकि बहुत से विद्वानों का मानना है कि भुवनेश्वर की ये कहानी हिंदी की कोई पहली नई कहानी भी के तौर पर नहीं जानी जाएगी, और मौलिकता पर बहुत सवाल उठे थे जब ये प्रकाशित हुई थी, उस पर बहुत बहस भी चली थी कि ये कहानी मौलिक है या कहीं से प्रेरित है। तो बहुत सारे लोगों ने उसके उदाहरण देके भी बात की थी कि भाई ये अमेरिकन उपन्यासकार बिला केदर का जो उपन्यास है माई एंटोनियो, जो 1914 में प्रकाशित हुआ था, उसमें भी एक भेड़ियो है, भेड़िए कई सारे भेड़िए हैं, और वो भी इस तरह की कहानियाँ के। और एक दूसरी जो कविता है रॉबर्ट ब्राउन की इवान वोन बिच, उसमें भी इस तरह की कथा आती है जहाँ स्लेज से कुछ घोड़े दुल्हन स्लेज में दो तीन स्लेज गाड़ियाँ होती हैं, उनको घोड़े खींच रहे होते हैं और उनमें बहुत सारे लोग भी बैठे होते हैं, दूल्हे दुल्हन भी बैठे होते हैं। मतलब दोनों चीज़ों को इस तरह से जोड़ के अगर देखा जाए, राउट ब्रानन की कविता और बिला केदर का जो उपन्यास है उसको, तो मेरे ख्याल में लगता है कि भुवनेश्वर जी ने उसका भारतीय संदर्भ में जो प्रस्तुति की है, मैं नहीं कह सकता इस तरह से लोगों का विचार है। लोग बड़े बड़े विद्वानों ने बहुत बहस चली थी इस पर एक ज़माने में कि यह कहानी मौलिक है या कहीं से प्रेरित है। बहरहाल जो भी है, इतनी भयानक कहानी, अपने बच जाने की कहानी, अपने को बचा ले जाने की कहानी, जहां आदमी अपन ये कह सकते हैं ऐसा तो है नहीं है कि प्रतीकों में चलती है, या जैसे एक बार वो बैलों को खोलना शुरू करते हैं भेड़ियों से बचने के लिए, फिर गड्ढे का सामान फेंकना शुरू करते हैं शुरू में, फिर बैलों को खोलना शुरू करते हैं, और जब कुछ नहीं बचता तो वो जो नटनीय हैं उनको फेंकना शुरू करते हैं एक एक कर, और यहाँ तक कि भी कहते हैं कि तुम ही कूद जाओगी मैं तुम्हें फेंकूँ। और अंत में उसका बाप जब कहता है
कि ये जूते जो 10 साल चलते, एक आदमी ऐसा जो अपनी ज़िंदगी जी चुका है, वो सोचता है कि मेरा बेटा बड़ा रहेगा, बचा रहेगा, और वो बेटा भी बड़ी डींग हाँकता है कि देखना मैं कभी अगर दोबारा मौका मिला तो 60 भेड़ियों को मारूंगा। ये एक ऐसी निसंगता, निर्ममता की कहानी है कि आदमी खुद के लिए बचने के लिए, खुद को जिंदा रखने के लिए, लेकिन क्या जब लास्ट में वो उसका एक बैग है कहानी का कि वो भूखा नंगा, मतलब उसके पास कुछ नहीं बचता। लोग समझते हैं कि इसने अपने खुद के बचने के लिए, खुद के बचाव के लिए सारे संबंध, सारे रिश्तों को भेड़िए। भेड़ी दरअसल है कौन? क्या पूंजी है? क्या वो सत्ता है? क्या चीज़ है? कुछ कह नहीं सकते, इतना स्पष्ट तो कहने में मैं हिचकूंगा। नमस्कार, मैं गीता श्री। भुवनेश्वर की कहानी भेड़िया एक युगांतरकारी कहानी है और 1938 में हंस में छपी थी। तब से लेकर आज तक, हमारे समय तक, इस शताब्दी तक इस पर बहस चल रही है और इस कहानी को अभी ठीक से समझा जाना भी बाकी है। अलग अलग तरह से लोगों ने इसे समझा है। इसे पहली आधुनिक हिंदी कहानी करार दिया गया और कथा सम्राट प्रेमचंद ने 1938 में सबसे पहले हंस में इस कहानी को छापा था। उसके बाद से ये कहानी बहस में बनी हुई है और ये कहानी बहुपरतीय है, दो चार पंक्तियों में समझ में नहीं आने वाली है। इसकी बहुत सारी व्याख्याएं हो सकती हैं, लेकिन जो मुझे लगता है कि इस कहानी में दुरुता भी है और कटुता भी है, निर्मम कटुता है। और किस तरह जिंदगी की निर्मम परिस्थितियों में जीने की कोशिशों में एक बूढ़े व्यक्ति को या किसी इंसान को ये परिस्थितियां उसे खूंखार बना डालती हैं कि वो एक एक कर भेड़ियों के झुंड के आगे अपने प्रियजनों को, दूसरों को फेंकता चला जाता है। दरअसल यह एक मृत्यु एक ऐसी दहशत है, इसे कह सकते हैं कि मृत्यु, मौत एक ऐसी दहशत है जो जब सामने होती है तो हाड़ कपा ही देती है। इसकी दहशत ऐसी होती है कि इसके सामने सारी मानवीय संवेदनाएं निरस्त हो जाती हैं इस दहशत के आगे। तो भुवनेश्वर के बहुत सारे प्रशंसक हैं और भेड़िया कहानी को फिर से ठीक से समझे जाने की जरूरत है, इसकी लंबी व्याख्या हो सकती है। सन 2000 में पुनश्चर्या कार्यक्रम के अंतर्गत मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में गया तो वहाँ कुछ मित्रों ने भुवनेश्वर जी के घर को देखने का कार्यक्रम बनाया। हम लोग वहाँ जब घर देखने गए, एक साधारण सा घर था जिसमें वो कभी किराए पर रहे थे, तो वहाँ देखकर घर देखने के बाद में मुझ में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि मैं भुवनेश्वर जी के साहित्य को कुछ ज़्यादा पढ़ूं और उनके विषय में अधिक से अधिक जानूं। वे एक संघर्षशील व्यक्ति थे। उनका जो सारा जो काव्य है वो एक प्रयोग है। उन्होंने नाटकों में भी प्रयोग किए, एकांकी में प्रयोग किए, इसी तरह से कहानियों में भी प्रयोग उन्होंने किए। उन्होंने काफ़ी कहानियाँ लिखी। भेड़िए उनकी प्रसिद्ध कहानी है। भेड़िए कहानी एक प्रतीकात्मक कहानी है और प्रतीक भी भेड़िए ऐसा है जो हर युग में अपना नया रूप धारण कर लेता है। जो राजशाही के समय भेड़िए जनता और सत्ता थी, हालांकि सत्ता और आम जनता हमेशा एक दूसरे के आमने सामने हैं, लेकिन यहाँ पर जो है भेड़िए जो है वो एक ऐसे वर्ग के प्रतीक हैं जो रक्त पिपासु है और ये हर युग में भेड़िया अपना रूप बदल लेता है। इस तरह से ये कहानी जो है वो कभी भी पुरानी नहीं होगी। प्रेमचंद जी ने जब हंस में एक लेख लिखा था जिसमें इन्होंने जब नए कहानीकारों का जिक्र किया तो उनमें भुवनेश्वर जी का नाम उन्होंने यूं ही नहीं लिया था। उन्होंने उसमें नई चेतना के स्फुलिंग उन्होंने देखे थे। तो ये कहा जा सकता है कि भुवनेश्वर जो हैं वो नई कहानी और पुरानी कहानी के बीच की कड़ी हैं।
आगे चल करके नई कहानी, फिर कहानी और अनेक जो करवटें बदलती है हिंदी कहानी, वो सभी बीज जो हैं वो हमें भेड़िए कहानी में मिल जाते हैं। कहानी की सार्वकालिकता ही उसकी सफलता होती है। कोई भी कहानी किसी भी काल में लिखी गई हो, वह कालांतर में जब उसके प्रतीक बदलते रहते हैं तो वह हमेशा हर काल में याद रखी जाती है। भुवनेश्वर जी की कहानी भेड़िया आज़ादी से भी कोई 25-30 साल पहले लिखी गई थी और आज आज़ादी के 74-75 साल के बाद, जब हम लगभग 90 साल के बाद जब इस कहानी को पढ़ते हैं तो आज भी हमें यह प्रासंगिक लगती है। कारण यह है कि इसके प्रतीक बदल गए हैं। मैं आज के समय में जब इसको कहानी को पढ़ रहा हूँ तो मुझे भेड़िए जो कहानी के पात्र हैं भेड़िए, वो मुझे आज बदले हुए रूप में दिखाई दे रहे हैं और वो उनका जो बदला हुआ रूप है वो हमारे कतिपय पूंजीपति अफसर और हमारे राजनेता भेड़िए के रूप में मुझे नज़र आते हैं। और जो उसके शोषित पात्र हैं, नटनियाँ हैं, बैल है या वो बाबा है, वो शोषित वर्ग भेड़ियों का निवाला उस समय भी बन रहा था, आज भी बन रहा है। भेड़ियों की भूख मिट नहीं रही है, उनकी भूख निरंतर बढ़ती जा रही है और आज भी सामंत शाही के प्रतीक ये राजनेता भेड़ियों के रूप में शोषित वर्ग आम जनता के पीछे भागे चले आ रहे हैं, भागे चले आ रहे हैं और अपनी जान बचाने के लिए यह शोषित वर्ग अपना सब कुछ इनके आगे निवाले के रूप में डाल रहा है, लेकिन फिर भी ये इनके शिकार होकर ही रहते हैं। इस कहानी को ये कहूँगा कि ये आम पाठक की कहानी नहीं है, एक गूढ़ पाठक की कहानी है। तो इसमें जो भेड़िए है वो वर्तमान व्यवस्था है, एक जो झुंड के रूप में मानवता को मार रही है और इससे बचने के लिए मानव बराबर भाग रहा है। खुद को बचाने के लिए वह खुद किसी भी हद तक जा सकता है और खुद को भी भेड़िया बनाने के लिए वो तैयार हो जाता है। ये कहानी का कहीं गहरा मर्म है। यहाँ जो तीन लड़कियाँ हैं, स्त्री पात्र जो हैं, वो स्त्री जाति का प्रतिनिधित्व करती है। वे बाज़ार का हिस्सा है जहाँ उन्हें बेचने वाली भेड़िया व्यवस्था पहले से ही कायम है, उसे तलाश करने की ज़रूरत नहीं, वो व्यवस्था पहले से ही मौजूद है वहाँ। बस इसी तरह की एक कहानी है, ये नए बोध की कहानियाँ हैं, इनमें कथात्मकता ज़्यादा प्रधान नहीं होती और न ही ज़्यादा लय और संवेदनाएँ जो अपने सीधी सीधी हमारे अंदर उतरती है वो शिल्प इसका नहीं होता है। ये कहानी तकनीकी रूप में अधिक सक्षम होती है और इसीलिए इन कहानियों का जो पाठक है वो भी एक ख़ास किस्म का पाठक होता है। ये बहुत हद तक आलोचकों, समीक्षकों और बुद्धिजीवी लोगों के बीच बहस का विषय बनती है ऐसी कहानियाँ। तो कुल मिला के मैं ये कहूँगा कि इस कहानी का जो लबोलुभाव है वो इतना है कि ये कहानी वर्तमान व्यवस्था के अंदर जो एक अलग किस्म की जो व्यवस्था है, व्यवस्था में जो व्यवस्था है उस पर ये प्रश्न खड़े करती है। बस ऐसा ही मेरा कुछ कहना है इसमें।